गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है पैकेजेस इन जावा। ठीक है, पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेजेस इन जावा इज़ अ मैकेनिज्म टू इनकैप्सुलेट अ ग्रुप ऑफ क्लासेस इंटरफेसेस एंड सब पैकेज। ठीक है, पैकेज जो होता है वो एक, ठीक है, वो एक ब्लॉक की तरह होता है जिसमें हम मल्टीपल क्लासेस को, ग्रुप ऑफ क्लासेस को, इंटरफेसेस को, सब पैकेजेस को ग्रुप करके रख सकते हैं। ठीक है, इन जावा देयर आर ऑलरेडी मैनी प्री डिफाइंड पैकेजेस। ठीक है, एक तो होते हैं यूज़र डिफाइंड पैकेजेस, एक होते हैं प्री डिफाइंड जो पहले से ही डिफाइंड है। ठीक है, जावा में वो है जैसे जावा डॉट लैंग्वेज, जावा डॉट इनपुट आउटपुट, जावा डॉट यूटिल। ठीक है, ये प्री डिफाइंड पैकेजेस हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर ऑफ जावा इज़ दैट वी कैन डिफाइन अवर ओन पैकेजेस। हम अपने पैकेजेस भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है पैकेजेस की और डिफाइन करने की, यूज़ करने की? रीयूजबिलिटी, हम पैकेजेस को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूजबिलिटी ऑफ कोड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ठीक है, ठीक है, पैकेजेस की हेल्प से हम, ठीक है, रीयूजबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, मतलब रीयूजबिलिटी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फाइल्स को लोकेट करना इजी होता है। जब हम मल्टीपल क्लासेस को ग्रुप करके रखते हैं तो एक पैकेज बन जाता है जिससे कि हम कोई भी फाइल ढूंढना चाहते हैं तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इन रियल लाइफ सिचुएशन देयर में अराइज सिनेरियोस वेयर वी नीड टू डिफाइन फाइल्स ऑफ द सेम नेम। ठीक है, सेम नेम की फाइल अगर ढूंढना चाहते हैं तो वो तो एक ही पैकेज में होगी तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। दिस मे लीड टू नेम स्पेस कोलिशन। पैकेजेस आर अ वे टू अवॉइड नेम स्पेस कोलिशन। ठीक है, जब मल्टीपल फाइल्स जो होती हैं सेम नेम की होती है तो उसमें क्या होती है, कोलिजन आ जाती है कि ये किस पैकेज की है, ये किस पैकेज की है। तो पैकेज जो होता है वो क्लासेस को डिफाइन कर देता है कि ये इस पैकेज की क्लास है, ये इस पैकेज की क्लास है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट आ जाता है कि अगर वो क्लास जो है वो डिफरेंट पैकेज की है और ये वाली क्लास डिफरेंट पैकेज की है तो उनमें डिफरेंशिएट करना ईजी हो जाता है सेम नेम की क्लास में। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ पैकेज, पैकेज कौन कौन से होते हैं? यूज़र डिफाइंड पैकेज जो, ठीक है, जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम बना रहा है जावा का, वो जो पैकेज डिफाइन करता है उसे कहते हैं यूज़र डिफाइंड पैकेज। और जो पैकेज जावा में इनबिल्ट आता ही है, ठीक है, जो हमने पढ़े हैं जावा डॉट इनपुट आउटपुट, जावा डॉट लैंग्वेज, ठीक है, जावा डॉट यूटिल, ये सारे जो होते हैं वो होते हैं बिल्ट इन पैकेज। देन आते हैं ये, देखो ये तीनों जो है बिल्ट इन पैकेज हैं। इसमें आगे क्लासेस होती है, सिस्टम डॉट क्लास, स्ट्रिंग डॉट क्लास, एरे लिस्ट डॉट क्लास। ठीक है, ये सारी उनकी क्लासेस हैं। ये मेन जो पैकेज है जावा का वो है जावा खुद। देन आती है ये होती है सब पैकेज। ये तीनों क्या है, बिल्ट इन पैकेज। और उसके नीचे आती है क्लासेस। ठीक है, ये हायरार्की है एक तरह की। देन आते पैकेज। अगर पैकेज को डिफाइन करना तो हम कैसे करते हैं? द स्टेटमेंट शुड बी यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ प्रोग्राम टू इंक्लूड दैट प्रोग्राम इन दैट पर्टिकुलर पैकेज। जैसे पैकेज को डिफाइन किया, देन पैकेज नेम, ठीक है, पैकेज का नेम आएगा। ठीक है, पैकेज कीवर्ड इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ पैकेज इन जावा। पैकेज कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम पैकेज को, ठीक है, क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और अगर हमने उसको कंपाइल करना है, ठीक है, कंपाइल करना पैकेज को, देन हम ये वाली डायरेक्टरी को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पाथ है। ये अगर हमने पाथ सेट नहीं किया होता तो हमें पहले ये वाला पाथ सेट करना पड़ता है कि इसकी जो कंपाइल करने में डायरेक्टरी होती है वहाँ पे स्टोर हो जाती है इसकी ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, और बाद में जावा फाइल नेम डॉट जावा, जो भी फाइल नेम है वो लिख के डॉट जावा, और अगर हमने रन करना है तो जावा पैकेज नेम डॉट क्लास। ठीक है, जब रन करना है तब हमें पैकेज की ज़रूरत होती है। द टी स्विच स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन वेयर टू पुट द जनरेटेड क्लास फाइल। ठीक है, ये हमें बताता है कि हमने क्लास फाइल कहाँ पर लिखनी है, मतलब जो हमारी क्लास फाइल बनेगी कंपाइल करके। ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम है जब हम कंपाइल करते हैं तो उसकी एक फ़ाइल बन जाती है। ठीक है, वो जो स्टोर होगी वो डी डायरेक्टरी में स्टोर होगी। ठीक है, डी स्विच स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन वेयर टू पुट द जनरेटेड क्लास फाइल। इफ़ यू वॉन्ट टू कीप द पैकेज विद इन द सेम डायरेक्टरी यू कैन यूज डॉट। अगर आप सेम डायरेक्टरी में अपना पैकेज, मतलब दूसरा पैकेज भी सेम डायरेक्टरी में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप डॉट का यूज करोगे। ठीक है, अब हम पैकेज को कैसे असेस कर सकते हैं दूसरे पैकेज से, मतलब अगर हमारा ये वाला पैकेज है
और दूसरे पैकेज से हम क्लास को असेस करना चाहते हैं इस पैकेज में, तो हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम इंपोर्ट करेंगे वो वाले पैकेज को जिसकी क्लास को असेस करना चाहते हैं, या फिर ये वाला मेथड इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास नाम क्लास नेम, इसमें क्या होगी वो क्लास ही पर्टिकुलर क्लास ही असेस होगी जिस क्लास को यहाँ पर मैंशन करोगे, ठीक है। देन आता है फुली क्वालिफाइड नेम, जो भी पूरा नेम है उस क्लास का विद पैकेज वो सारा आप मेंशन करोगे, ठीक है। अगर हम आप अकेला पैकेज नेम को इंपोर्ट करोगे तो पूरी पैकेज की जितनी क्लासेस हैं जितने इंटरफेसेस हैं वो सारे आप असेस कर सकते हो, ठीक है। देन ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेसेस ऑफ पैकेज विल बी असेसिबल बट नॉट सब पैकेजेस, बट सब पैकेजेस को आप असेस नहीं कर सकते, क्लासेस और इंटरफेसेस को आप असेस कर सकते हो। इम्पोर्ट कीवर्ड इज़ यूज टू मेक क्लासेज एंड इंटरफेस ऑफ अनदर पैकेज असेसिबल टू करंट पैकेज, ठीक है। इम्पोर्ट कीवर्ड इज़ यूज टू मेक क्लासेज एंड इंटरफेस ऑफ अनदर पैकेज असेसिबल टू करंट पैकेज, जो इम्पोर्ट कीवर्ड है वो क्या करता है दूसरे पैकेज को हम असेस कर सकते हैं, अगर जिसको इम्पोर्ट करेंगे जिस पैकेज को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है, वो असेसिबल हो जाएगा, मतलब वो वाली की सारी क्लासेज और सब पैकेजेस हम असेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम यूजिंग पैकेज नेम डॉट क्लास नेम करेंगे, इसमें हम वो वाली पर्टिकुलर क्लास को ही असेस कर सकते हैं, या हम फुली क्वालिफाइड नेम मेंशन करेंगे, इफ़ यू यूज़ फुली क्वालिफाइड नेम देन ओनली डिक्लेयर्ड क्लास ऑफ दिस पैकेज विल बी असेसबल, इसमें भी आप जो भी क्लास नेम मेंशन करोगे वही क्लास असेस होगी और कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। नाउ देर इज़ नो नीड टू इम्पोर्ट, फिर बट यहाँ पे फिर इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ आपने क्लास मेंशन कर दी और फिर वो पर्टिकुलर क्लास ही यहाँ पे असेस होगी, यहाँ पे इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इट इज़ जनरली यूज्ड व्हेन टू पैकेजेस हैव सेम क्लास नेम, ठीक है। ये जब हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो पैकेजेस जिनके क्लास नेम सेम होते हैं उनको यूज़ करें, ठीक है। ये वाला मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब सेम क्लास, मतलब डिफरेंट पैकेजेस में सेम क्लास बड़ी हो, ठीक है, डिफरेंट पैकेजेस में सेम क्लास बड़ी हो हम तब इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो होता है फाइल नेम क्लास नेम मेंशन होता है, इसलिए हम ये वाला मेथड तब यूज़ करते हैं जब डिफरेंट पैकेजेस में सेम क्लास हो, सेम क्लास नेम हो, ठीक है। ठीक है, पैकेज को इंपोर्ट करना है, ठीक है, और कहाँ पे क्लास में, ठीक है, पैकेज को कहाँ इंपोर्ट करते हैं क्लास में। पैकेज विद मल्टीपल पब्लिक क्लासेस, ठीक है, बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही।